हेलो एवरीबॉडी, जय गुरुदेव। कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन ऑन 22nd फाउंडेशन डे ऑफ IIFPS। आई एम अश्विन मेहता। माय डॉटर मनाली मेहता इज इन फोर्थ ईयर वेटिंग टू अपीयर द फाइनल एग्जामिनेशन। आयुर्वेदिक कॉलेज इज नॉट गिविंग ओनली एजुकेशन बट इट गिव्स संस्कार ऑल्सो, एंड दैट्स वाई आई थैंकफुल टू all the staff members, students, and especially to the principal Joban sir. Jai. Hello everyone, my name is Vikas Kungar. My son Ayush Kungar is a final year B Pharma Ayurveda student at IIFPS. I feel great that Ayush is getting the best learning and exposure. Event like Ayurveda Health Expo helped him in developing practical approach. I would like to thank all the people working in the IIFPS and also congratulate them on their founding day. मेरा नाम भरत भाई मारडिया है और मेरा बेटा नीलकंठ मारडिया बैचलर्स द्वितीय वर्ष में अभ्यास कर रहा है। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे IIFPS संस्था के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर मेरे विचार आपके समक्ष व्यक्त करने का मौका मिल रहा है, जिसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आयुर्वेद हमारे भारतीय संस्कृति के साथ बहुत अच्छे से संबंधित है तथा आयुर्वेद को उपवेद भी माना गया है। आज के युग में आयुर्वेदिक औषधियों के मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन का बहुत महत्व है। यह संस्था पिछले 21 सालों से एक क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से कार्यरत है और अपने विद्यार्थियों को उच्च स्तर की विद्या प्रदान कर रहा है। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरा बेटा नीलकंठ मारडिया यह संस्था में अध्ययन करता है। फिर से 22वें स्थापना दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मयूरेश देशपांडे पुणे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मेरी बेटी कृतिका देशपांडे IIFPS के दूसरे वर्ष में अध्ययन कर रही है। उसे पहले से ही आयुर्वेदिक क्षेत्र में कुछ पढ़ने की काफ़ी रुचि थी, इसीलिए भारत की एक अग्रगण्य संस्थाओं में से एक IIFPS का हमने चयन किया। मैं जामनगर आकर IIFPS के सारे अध्यापकों से मिला हूँ और इन सारे गुणी अध्यापकों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में मुझे विश्वास है कि कृतिका अपना अध्ययन अच्छी तरह से पूरा कर पाएगी। IIFPS के 22वें स्थापना दिवस की मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, श्री गुलाब कोरबा आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के द्वारा संचालित IIFPS आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल साइंस इंस्टीट्यूट के 21 वर्ष पूर्ण होने पर डॉक्टर जोबन मोड्डा और उनकी टीम को खूब खूब बधाई और खूब खूब अभिनंदन करता हूँ उनका। आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के पास ये अपेक्षा करते हैं कि आयुर्वेद का समृद्ध ज्ञान पूरे विश्व में फैलाए, उसका प्रसार करे, उसका प्रचार करे और लोकोपयोगी बनाए और पूरे विश्व में आयुर्वेद की आयुर्वेद यूनिवर्सिटी और जामनगर का नाम समग्र विश्व में प्रसारित करें और साथ साथ में COVID-19 और उनके जैसी कहानी कई महामारियों के सामने टिकने के लिए दवाइयां और अनेक औषधियों का संशोधन करें।